दे चुका है। मुझे लगता है कि यह अवसर है हम सबके पास कि भारतीय जनता पार्टी के व्याप का विस्तार हम समाज के उन वर्गों तक ले जाकर के कर सकेंगे जहां आदरणीय केदारनाथ सिंह जी आ गए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं बैठक में। तो एक अवसर हमको उपलब्ध हुआ, पिछले 100 दिनों में जो काम इस सरकार ने किया है मोदी जी के नेतृत्व में और 30 महीने में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, इन उपलब्धियों को भी लोगों को बताना है। मित्रों, 100 दिनों की उपलब्धि में समझता हूं कि बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिस विचार को लेकर के हम भारत की राजनीति में काम प्रारंभ किए थे, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, और मुझे लगता है कि यहाँ बैठा हुआ इस सभागार में बैठा हुआ एक भी कार्यकर्ता नहीं जिसने कम से कम 150 बार ये नारा न लगाया हो कि जहां हुए बलिदान सचिव होकर दिए हमारा। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के आत्मा में बसा हुआ विषय था। कभी कल्पना भी लोग नहीं करते थे कि धारा 370 और 35 ये समाप्त होगी, ये सामान्य फैसला नहीं, बिल्कुल केवल 3 तलाक का विषय हो। इस तरह के अनेक ऐसे फैसले 100 दिनों के अंदर सरकार ने किया है जिसका देश मैं समझता हूं कि सदियों से इंतजार कर रहा है, और कभी कभी अवसर मिलता है इतिहास रचने का। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक नया इतिहास बनाया है, एक नई कार्य संस्कृति पैदा की है, और हम सबका नैतिक दायित्व है कि इसको सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने में हम सब जितना परिश्रम करना है हम परिश्रम करें। यात्रा के विषय में कुछ बातें अध्यक्ष जी ने बताई है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया आप में से अधिकांश लोगों को मिलेगा। जनता पार्टी भी चाहती है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व की हम सबसे यही अपेक्षा।